Pleasure to be with you, and I would like to thank Mohit Bhai and Bharatiya Janata Yuva Morcha for giving me this opportunity. अभी सुबह से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत खुशियों की बात है, which is amazing. And for me, it is a great opportunity because पिछले तकरीबन 18 सालों से मैं इंडिया और इंडिया के बाहर आई एम डूइंग माय मोटिवेशन टॉक्स, चाहे वो बीबीसी लंदन में हो या व्हाटएवर चैनल, टेलीविजन चैनल और रेडियो चैनल. आई एम कीप ऑन ट्रैवलिंग, हर महीने में कहीं ना किसी कंट्री में जाता हूँ. एंड एक चीज़ मैं बहुत ही गर्व से आपको बताना चाहता हूँ कि अब मेरा काम है लोगों से मिलना. यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दे मीट मी, आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर, आई मस्ट टेल यू, तो लोग मुझे अपनी समस्या बताते हैं. किसी भी लेवल का कोई भी आदमी हो, कोई भी आप बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज का नाम ले, मतलब आई हैव बेट पिछले 18 सालों में यही काम है. इंडिया का जो इमेज है वो बदल रहा है. पहले बात होती थी, अरे भाई साहब आपकी कोई पहचान है, किसी नेता से हमारा काम करवा दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं. यू नो, आपके पास पैसा है, आपके पास पहचान है, आप कोई भी काम करा लीजिए. दैट मीन्स इंडिया का जो इमेज है उसका एक सिनोनिम बन चुका था कि इंडिया इज ए करप्ट कंट्री. और मैं 18 साल से इतने कंट्रीज में जा रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट इमेज यू नो आई कैन सी. बट अब पिछले तकरीबन 3 साल से जो परिवर्तन आया है, देन लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चेंजेस आपको मिले, इतने आप लोगों से मिलते हैं. मैंने कहा लोग थोड़े परेशान जरूर हुए, क्योंकि कभी भी परिवर्तन आता है तो ह्यूमन नेचर ऐसा है तो वी आर नॉट रेडी फॉर इट. हमको लगता है कि ये क्या हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, अभी क्या करें, करेंसी नहीं है, अभी छोटा नहीं मिल रहा है, एटीएम में लाइन लग गई, सबको तकलीफ हुई. लेकिन उसका अगर लॉन्ग टर्म का इम्प्लीकेशन देखें आप, जो भी राज्य थी, पार्टी थी, यू नो, उसके बाद इमीडिएटली यूपी में इलेक्शन हुए, तो जिस दम पे वो इलेक्शन जीत रहे थे सालों से, वो दम ही निकल गया. यानी वो जो 2 नंबर का पैसा लगता था, जिसे कैसे भी वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता था, नॉट गोइंग टू दैट, वो नहीं रहा. तो इंडिया का जो करप्शन वाला जो इमेज, बैड इमेज चल रहा था इतने सालों से देश के बाहर, 60 साल सरकार रही कांग्रेस की, और उसके बाद जो परिवर्तन आया है, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और उस नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो आप देखिए कि एवरीथिंग हैज ए रीजन इन लाइफ. श्वेता जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, उन्होंने यूथ की बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात करी, उन्होंने ये भी कहा कि आप टनल को देखिए कि लाइट जो है वो दिख जानी चाहिए आपको, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि टनल की जो लाइट है वो कोई इनकमिंग ट्रेन तो नहीं है, यानी यू हैव टू बी अलर्ट. अभी साहब ने बोला कि विवेकानंद जी का उन्होंने कोट किया, आज उनका खुद का जन्मदिन है, आज से 125 साल पहले 1893 एक दिन पहले 11 सितंबर को, यू नो, जो उन्होंने जो वहां पे स्पीच दिया है, इतनी छोटी सी स्पीच थी लेकिन उससे पूरा नजरिया हिंदुस्तान की तरफ बदल गया. और उन्होंने जो उपनिषद का जो कोट वहां पे किया था वो आज तक वैलिड है. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. यानी आपकी लाइट देखकर इंतजार में बैठे रह गए तो मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं. श्वेता जी कह रही थी कि यू नो, सुबह हर यू नो रात के बाद उजाला होता है, दिन होता है, यानी परिवर्तन होता रहता है. तो माना कि हर सुबह के बाद रात होती है, पर चलता वही है जिसमें वो बात होती है, और आप सब में वो बात है, क्योंकि यू आर यूथ, यू आर यंग. होता क्या है कि जिंदगी में पहले हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में हमारे कुछ सपने होते हैं कि ऐसी जॉब लग जाएगी, अपने फादर से अच्छी मेरी सैलरी हो जाएगी, या उनसे अच्छा काम कर लूंगा तो हमारी जिंदगी बहुत मजे में गुजर जाएगी. जब आप उनकी एज में आए, यानी आप जब आप बड़े हुए, आपकी शादी का वक्त आया, तब आपको होश आया कि उसमें तो कुछ होगा नहीं, उतना तो किराया हो चुका है मकान का. तो हमारे जो वो जो ख्वाब थे, वो जो सपने थे, वो लिमिटेड रह गए. फिर हमें सपनों को अपग्रेड करना पड़ा कि आप क्या करें, उसके लिए और मेहनत. तो यूथ के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो सिचुएशन के साथ अपने आप को बदल सके. क्यों, एक ही चीज है जो इंसान को आगे बढ़ाने में मदद करती है, वो है आपकी एनर्जी, वो है आपकी होप. क्योंकि अगर होप भी खत्म हो गई, हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह 7 बजे उठेंगे इसी उम्मीद में कि शायद जिंदा ही उठेंगे. यानी हर चीज के पीछे एक उम्मीद है, अगर उम्मीद नहीं रहेगी तो फिर जीवन का भी कोई मतलब नहीं है. तो उम्मीद के साथ अगर हम वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, वी आर मूविंग इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन, देन डेफिनेटली अवर लाइफ विल बिकम बेटर. और जैसे हम देश की बात कर रहे हैं कि देश की छवि, अब मैं बाहर जाता हूं तो गर्व के साथ जाता हूं, अब कोई मुझसे करप्शन की बात नहीं करता. 3 साल हो गए, एक भी ऐसा स्कैम
जिसकी आदत पड़ चुकी थी कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब स्कैम की गवर्नमेंट, एक भी स्कैम 3 साल में नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है एंड आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट। और मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी किसी एक नेता के भरोसे नहीं जीती, कोई भी पार्टी जीती है परिवर्तन के साथ, सोच के साथ, उसके कार्यकर्ताओं के साथ। और सबसे ज्यादा अगर कोई कार्यकर्ता है जिसमें वो एनर्जी है तो वो है आज का यूथ। तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। आप खुद अपने लिए तालियां बजाइए कि आप लोगों की जो आपने के अंदर जो परिवर्तन आया है, क्योंकि आप सबका एक पास है, वो पास के साथ आप जो भी जुड़े, कुछ लोग पिछले सालों से हैं, कुछ लोगों का अभी यहाँ पर आगमन हुआ है इस पार्टी के साथ, तो उनका सबका स्वागत है। और मैं कहूँगा इसी नई सोच के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ जो डिजिटल इंडिया हमारा बना है, अभी मोदी साहब के जितने भी उन्होंने 2012 में 75 ईयर्स इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए हो जाएंगे, कितनी कंट्रीज हैं, इंडिया जब पैदा हुई थी साथ में एक और देश पैदा हुआ था, आज वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब हमारी सोच का नतीजा है। यानी इंडिया आज डेट में आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप में किसी भी कंट्री में चले जाइए, यू विल सी जो टॉप डॉक्टर्स हैं, जो टॉप इंजीनियर्स हैं, दे आर ऑल इंडियंस। यानी हमारा जो माइंड है शुरुआत से लेकर यहाँ तक, यानी आज भी जर्मनी में एक रिसर्च सेंटर है, वहां पे वेदों को मतलब स्पेशली आयुर्वेदा पे रिसर्च चल रही है कि आयुर्वेदा की एंशियंट साइंस है, जो बेचारी यू नो बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस वो हर ड्रग बनाए चले जा रहे हैं। यू नो मेरे हिसाब से मॉडर्न साइंस अभी भी कई सौ साल पीछे है। अभी ह्यूमन बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक ड्रग निकालते हैं, कहते हैं कि इट इज गुड फॉर डायबिटीज, आफ्टर 2 ईयर्स दे से कि यू नो इट इज बैड फॉर लिवर और किडनी, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, नया ड्रग मार्केट में आ गया। तो दे आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद ह्यूमन बॉडी, नए नए डिजीजेस जिसका नाम भी नहीं सुना वो भी पैदा होता चला जा रहा और डर का माहौल क्रिएट करते जा रहे हैं। और जबकि आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जिसमें हर बीमारी का इलाज था। आज भी अगर आप जो भी आयुर्वेदा का प्रिंसिपल फॉलो करता है वो पहली बात तो बीमार होता ही नहीं है। और जर्मनी के वो सेंटर में, जर्मनी के सेंटर के मेन गेट के बाहर शिवा की मूर्ति लगी हुई है, ये मालूम है जो आदि गुरु है वो शिवा है, और उसके बाद अंदर रिसर्च हो रही है पूरे वेदों की और स्पेशली आयुर्वेदा की, कि कैसे हम एंशियंट साइंस है जिसको इंडिया में ही नकार दिया गया। अभी बाबा रामदेव का शुक्रिया है, थैंक यू है कि उन्होंने योगा को दोबारा रीजनरेट किया इंडिया में। बाहर इंडिया अमेरिका में योगा हो रहा था, हॉट योगा, ये योगा हो गया, लोग अरबपति बन गए योगा कराते कराते, और इंडिया में योगा स्कूल में पढ़ाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे योगा टीचर का, ये क्या करा रहा है उल्टा सीधा। लेकिन आज समझ में आया कि जो इंसान अपनी जिंदगी में योगा जोड़ लेता है तो वो भी हमेशा एक्टिव रहता है, वो भी हमेशा यंग रहता है, वो भी बीमारी उसको टच नहीं करती। अभी डॉक्टर साहब स्टार्टेड सेइंग ऑल ओवर द ग्लोब कि एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक। अब गूगल करिए, इसकी डेफिनेशन है बॉडीली डिसऑर्डर फॉर्म बाय ह्यूमन ब्रेन, यानी हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी की बैंड बजा देता है, और उसमें कुछ ऐसे डिजाइन रिलीज होते हैं जिससे कोई ना कोई हमें डिजीज हो जाती है, और फिर उसकी वो दवाई दोबारा ईजाद कर देते हैं, और फिर उनकी जो इंडस्ट्री है वो चलती चली जाती है। मैं 15 दिन पहले लंदन में था, वहां पे एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, 2 लाइन की हेडलाइन थी कि डॉक्टर्स विल कीप ऑन टेलिंग यू इट इज ऑल इन द माइंड। मतलब एक मॉडर्न शहर में वी लुक अप टू लंदन, यू नो कि वो लोग तो आए और हमारे ऊपर राज करके भी चले गए, तो दे आर सपोज टू बी वे अहेड देन इंडियंस। तो वहां के डॉक्टर्स लिख रहे हैं कि डॉक्टर्स विल कीप ऑन टेलिंग यू इट इज ऑल इन द माइंड। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू फिनोमेना एंड इट इज कॉल्ड BDS, बॉडीली डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी बॉडी अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द माइंड। और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए या किसी काउंसलर के पास जाइए, यू आर डन, यानी इट इज ऑल इन द माइंड। तो चाहे वो हमारी बीमारी हो, चाहे हमारे वो सपने हो, चाहे हम अपने वो अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की सोच हो, वो सब आपके दिमाग का खेल है। तो आज हमारा अगर नया इंडिया बन गया है, बन रहा है, तो हमारा भी फर्ज है तो उसको आगे लेकर जाए। आज अगर बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट इंजीनियर इंडिया के बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं तो क्यों ना हम अपने इंडिया को अमेरिका बनाएं, क्यों ना इसको आगे लेकर जाए, क्यों ना यहाँ पे जो गरीबी है उसको हटाए। जितनी यहाँ पे देखिए, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं अभी तक दिस माय फर्स्ट एवर इंटरेक्शन एंड मोहित भाई इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, इनकी कंपेयरिंग में जरूर किया था, लेकिन मैं एक ही समझ गया कि एक ऐसी परिवर्तन की जो लहर है, जो ये हवा है, इससे फील गुड फैक्टर जरूर बन गया है। मतलब लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छा होगा, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। और जब मैं आपको देख रहा हूँ, सुबह से शाम ओवर होने वाली है और आप लोग बैठे हैं तन्मयता से, एक एक आपने यहाँ पे सम्मानित लोग आए, बहुत एक्सपीरियंस के साथ लोग आए, उनको आपने सुना, हर इंसान ने पार्टी की बात करी, उसकी जर्नी की बात करी, इतिहास की बात करी, कैसे
भारतीय जनता पार्टी इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, क्योंकि जब कोई सरकार लंबे समय के लिए सत्ता में आती है तो ये कंफर्म है कि जो अपोजिशन है वो नदारद हो जाती है किसी ना किसी रीजन की वजह से। बट ये जो आपका दोबारा से जो आगमन हुआ है, आई थिंक इट शुड बी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब ये नाम मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से बता रहा हूँ, बल्कि व्हाटएवर आई अंडरस्टूड इंडिया, इंडिया के बाहर का जो भी मेरा इंट्रैक्शन है, आई थिंक परिवर्तन आ गया है और हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी पूरी लगन के साथ इसको आगे लेके जाएं। आप सबका भविष्य है तो अपनी जिंदगी को यूं ही गुजर जाने दें। यू नो कई बार क्या होता है, आदत हो जाती है। मैं एक्चुअली इतने सालों में बोलते बोलते मैं शायर बन गया, तो आदत हो गई है बेरुखी की तेरी। जिंदगी से कह रहा है कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत अगर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। यानी we become so used to that situation, कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही है, पैसा तो काम करवा लो। यू नो अगर आदत हो गई हमें, उस करप्शन की आदत हो गई है, उन नेताओं की, उन भ्रष्ट अधिकारियों की हमें आदत हो गई कितने सालों में कि ये तो सिस्टम ऐसा ही है, तो अब वक्त आ गया है। जैसे श्वेता जी कह रही थी कि इतने सारी उन्होंने वेबसाइट आपको नोट करवाई, इतने सारे यू नो एप्स आ गए हैं जिसमें यू कैन अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियो, एनी काइंड ऑफ न्यूज। अगर आपको लग रहा है कहीं भ्रष्टाचार है तो आप उसको उजागर करिए। उन्होंने कहा कि मुद्रा से कितने लोगों ने वहां पे लोन लिया पता ही नहीं है, तो अगर आपको है तो उसको क्रिएट करिए। अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, मार्केटिंग। बच्चा पैदा होता है वो मम्मी बाद में बोलता है, पेप्सी पहले बोलता है, इट इज लाइक इंड्यूस मार्केटिंग। तो वी नीड टू प्रोजेक्ट एवरीथिंग, चाहे वो हमारे इमोशंस हैं। घर में कितने लोग यहां मैरिड हैं, 5, 7, 11 कुछ पता नहीं है, 15, 18, 50 और 150। ओके एनीवेज, देखिए क्या आप लोग खुश हैं? बहुत खुशी की बात है। देखिए आप लोग अगर खुश हैं, यही बात मुझे आपकी वाइफ से पूछनी चाहिए। ये सवाल अचानक से मैंने क्यों पूछा, इसलिए पूछा कि आज की डेट में जमाना बदल गया है, लोग बदल गए, जमाना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, ये दिल तुझे को चाहता था कमबख्त बदल गया, जिंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। तो ये मकसद सिर्फ आपका नहीं बदला है, ये मकसद उस बेटी का, उस बहन का और उस वाइफ का भी बदल गया है। बिकॉज आज से पहले, आज से 25 साल पहले या 50 साल पहले, या इवन आपके फादर या आपके ग्रैंड फादर, जो उनकी जो वाइफ होती थी वो 10th पास बहुत बड़ा काम होता था कि मेरी बेटी 10th पास है उसे शादी कर दीजिए। आज की डेट में आप जाइए, विमेन हैज बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ये कुछ श्वेता जी एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी पूरी उन्होंने कहानी बताई, जर्नी बताई कि आज कितने शायद 350 करोड़ बोला था उन्होंने, शायद 550 करोड़, मैंने डिस्काउंट दे दिया। एनीवेज 550 करोड़ की उनकी खुद की इंडस्ट्री है और वो जॉब करती थी, एंड शी वाज द ओनली वुमन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब यह है कि जमाना बदल चुका है। तो देश की रक्षा मंत्री जो मुझे बोलना था अभी इसके बाद, देश की रक्षा मंत्री क्यों मैंने, यानी आदमी होम मिनिस्टर बन के रह गया है, मतलब होम मिनिस्टर है और देश की रक्षा मंत्री वुमेन है। तो दिस इज अ चेंज विच वी कैन सी। इससे बड़ा मुझे लगता नहीं कि कोई एग्जाम्पल इंडिया का हो सकता है बाहर के लिए, कि हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट है जिसका, और ये भी बता दूं इंडिया का नाम वाकई उतना ग्रेट नहीं है महिलाओं से रिलेटेड, because of those bad incidents which keep on happening. और वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो आदमियों की वजह से हो रहे हैं, वो ऐसे दूषित वातावरण वाले लोग, कुंठित मानसिकता वाले लोग जो अपने किसी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ ऐसी हरकत करके बात कर बैठते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉज एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन अवेयरनेस, अभी ऐसे लोग कोई भी ऐसा भी रेपिस्ट नहीं है जो पीछे नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जमाना बदल गया है, वही सोच अगर हम अपने मन में रख लें, स्टार्टिंग विद अवर वाइफ, कि मुझे जॉब करना है, बोले तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हमारे खानदान में किसी ने जॉब नहीं करी, घर पे बैठो, तो अभी वो वक्त नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वक्त आ गया है, स्पेशली वुमेन तो आगे जा रही है। यही सोच अगर हम अपनी बेटी को देते हैं, यू नो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर हमारी जो जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या चल रही थी और चल रही है और चलेगी, जो हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे वो आधी का कर रहे थे, ओनली मेल वेयर सपोज टू वर्क एंड डू व्हाटएवर दे कैन, अब वी हैव डबल रिसोर्सेज, तो उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज करिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक लाइन में ऐड कर देता हूँ कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें लग्जरी देता है। हर इंसान को ब्यूटीफुल हाउस चाहिए, ब्यूटीफुल कार चाहिए, हर इंसान चाहता है कि उसका घर का माहौल अच्छा हो,
अच्छे पैसे हो, लक्ष्मी की बात हम करते हैं, यू नो, हर चीज को, किसको नहीं चाहिए? यहाँ पे कोई ऐसा है जो कहते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए? हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपने परिवार के लिए बेहतर करना चाहता है। तो यानी वो वीनस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगा? उसका एक ही रेमेडी है कि अपनी खुद की वाइफ, खुद की कहना जरूरी है, मतलब अपनी खुद की वाइफ को खुश रखिए, नारी जाति का सम्मान करिए। तो जितना आप घर का माहौल अच्छा बनाएंगे, जितनी सिनर्जी घर पे क्रिएट करेंगे, बिकॉज आई बिलीव इन एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या वो घर की जो एनर्जी है, घर की जो सिनर्जी है, क्या घर का जो माहौल है वो हमारा अच्छा है? हम शाहरुख खान की फिल्में देखने जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो तो हीरो है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो बेस्ट रोमांटिक हस्बैंड की तरह बिहेव करता है। तो क्या हम शाहरुख खान नहीं बन सकते घर पर? क्यों हम कपिल शर्मा का शो देख के हमें बहुत मजा आता है, क्या हम घर पे हंसी मजाक नहीं कर सकते? फिर आप आए लटकते हुए, क्या हुआ कुछ मत पूछो, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, खाना खा लिया, कैसा बना था पता ही नहीं। कभी आज किसी ने बोला कि बेचारी वो लौकी की सब्जी कितनी अच्छी उसने बनाई है जो आपको पसंद नहीं है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। ये मैं क्यों घर की बातें कर रहा हूं? मैं कोई लड़की वालों की तरफ से थोड़ी आया हूं। दिस इज द माइंडसेट विच यू विल मेक, बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी, यू नो, ए हेल्दी माइंड इज ए प्रोग्रेसिव माइंड। तो जो भी पुरुष बेचारा जो शादी जिसकी हो जाती है, अगर वो घर पे घर से हैप्पी दौर में गुजरता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है, जो माइंडसेट होता है, जो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो जिंदगी को बदल देती है। यू नो, यहां पे किसी ने किताब पढ़ी है द सीक्रेट्स? एक सज्जन ने पढ़ी, रोना भाई ने एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी उसने लिखी थी आप लोगों के लिए और आपके अलावा सबने पढ़ ली, इट बिकेम द बेस्ट सेलर अक्रॉस द ग्लोब। उसने क्या किया, शी डिड रिसर्च ऑन पीपल हु बिकेम लेजेंड्स, जो महान लोग पैदा हुए इस धरती में शुरुआत से लेकर आज तक, जो लोग चले गए उन्होंने कहीं लिखा, कोई रिकॉर्ड करके गया, जो जिंदा थे उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया। आप लोग हैरान हो जाएंगे, जितने महान लोग बने हैं एक लाइन सबने कॉमन बोली, अलग अलग देशों में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई फिल्म्स में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कोई साइंटिस्ट था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ भी था, जो लेजेंड बने, लेजेंड्स, एक लाइन सबने कॉमन बोली और वो लाइन थी, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं वैसी आपकी जिंदगी बन जाती है। और ये थॉट है बुद्धा का, ये थॉट है बुद्धा का। यू नो, जितने लोग थाईलैंड इज ए प्लेस नोन फॉर स्माइलिंग फेसेस, वहां लोग खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि दे फॉलो बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कहा जाता है विजुलाइज व्हाट यू वांट, दैट मींस देयर इज अ पावर ऑफ विजुलाइजेशन, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बारे में सोचिए। तो ना शाहरुख खान ने भी कहा था कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हो जाएगी, तुम्हें मिला नहीं मिलना चाहती एक्चुअली। ये अल्केमिस्ट का पार्ट है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, ये देश, मैं आपको बताऊं, अभी भी हम वो फॉलो कर रहे हैं पुरानी रूढ़िवादी चीजें, जबकि मैंने बोला माहौल बदल गया, जमाना बदल गया, एजुकेटेड आपकी वाइफ भी हो गई और आप भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। अभी भी आप ज्योतिषी के पास जाते हैं कि बताओ यार कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरा काम हो जाए। और ये बताइए कि अगर ज्योतिषी, मैं तो अपने शो में, मैं 9 साल जी में शो किया, दैट बिकम द लॉन्गेस्ट रनिंग शो एवर, एवरी डे 7:30 आवर्स ऑन एयर, 2740 एपिसोड मैंने किए 2005-14 तक, फिर मैं मुंबई आ गया। एवरी डे मैं एक लाइन जरूर बोलता था जिसकी वजह से मुझे सारे ज्योतिषी इंडिया में जो मुझे नफरत करते हैं, मैं विलेन बन चुका हूँ। मैं कहता था अगर उपाय करने से कुछ होता तो देश का प्रधानमंत्री ज्योतिषी होता। यानी बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में रहते हैं। तो एक ही चीज बदली जा सकती है। मेरा फेवरेट डायलॉग है कि डेस्टिनी इज फिक्स्ड, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है, जो भी चीज बदलती है उसमें भरोसा नहीं कर सकते, राइट? तो वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है, हम तो नहीं बदले पर यह वक्त बदल जाता है। तो जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से? That means again, change is a way of life. तो ये change आपको अपने अंदर लाना है, वरना गुजर जाएगी इसी तरह, यू नो, आदत हो गई है बेरुखी की तरह, इसी तरह गुजर जाएगी, कुछ भी चेंज आएगा नहीं। क्योंकि अगर आप कंटेंट हैं, धर्म में कहा गया कि मोक्ष कब मिलता है, बोले मोक्ष तब मिलता है जब आपका कोई डिजायर बाकी नहीं रह जाता है।
यानी पहले अपने डिजायर तो पूरे करिए, यानी टू मच कंटेंटमेंट इज ऑल्सो बैड। अगर आप तसल्ली से बैठ गए कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, रोज मैं ट्रेन पकड़ता हूँ लोकल और पहुंच जाता हूँ वापस आ जाता हूँ, तो आप कभी जिंदगी में गाड़ी खरीद ही नहीं पाएंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि बी ग्रीडी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू नो बीइंग ग्रीडी, यू नो टू मच कंटेंटमेंट इज बैड। बैलेंस क्या होना चाहिए? कंटेंट विद लिटिल येट लुकिंग फॉर मोर, यानी थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। अगर इसमें आप तालमेल बिठा लेते हैं, ये मैं आपके आपके करियर की बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं, क्योंकि जो मैरिड है उनका बचा ही नहीं कुछ एक्चुअली, तो कंटेंट विद दैट, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हैव दैट काइंड ऑफ बिलीव इन यू, क्योंकि इससे पहले रघुनाथ जी बोल के गए थे, उन्होंने कहा था पूरी इतिहास बताई उन्होंने कांग्रेस कैसे खत्म हुई और कैसे बीजेपी इन स्पाइट ऑफ ऑल गॉड्स वी केम अप फ्रॉम द बिगनिंग। बहुत सारी चीजें मुझे भी पता नहीं थी, एंड दैट वॉज अ ग्रेट इनसाइट। रुका हूं मैं अभी थका नहीं, मेरे इरादों का तुझको पता नहीं। रुका हूं मैं अभी थका नहीं, मेरे इरादों का तुझको पता नहीं। झुका हूं अभी गिरा नहीं, मेरे ख्वाबों का तुझको पता नहीं। तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स, बिकॉज दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। तो अगर आप अपने अपने सपनों को अपग्रेड कर लेते हैं, अपनी एनर्जी के साथ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, डू इन द राइट मैनर, बिकॉज इससे पहले सब कुछ रॉन्ग ही चल रहा था, सब कुछ रॉन्ग था, सब वही कहानी थी, वही आदत थी, वही करप्शन था, वही अंधविश्वास था। तो वो नई सोच के साथ, नए परिवर्तन के साथ मुझे लगता है कि आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए आपको आए हैं, तो दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम। इफ यू फील यू हैव इट इन यू, और ये मैं बता दूं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है, जो भी इंसान महान बना है, उसकी बिगनिंग हुई है हम्बली। तो आप अगर सोचें कि नहीं मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, मेरे पास वो मीन्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वक्त बदलता जरूर है, लेकिन सही वक्त पर। तो सही वक्त का इंतजार करिए, अपने अंदर वो एनर्जी को बढ़ाइए। इसीलिए कहा जाता है, यू नो व्हाट एवर बिलीव यू हैव, ये जो धरती है भारत की, ये क्या करती है, यहाँ पे श्री राम पैदा हुए, मतलब कल उनका नॉमिनेशन हो रहा था, यू नो उनको अपने राजा बनना था, और रात को निकल लिया वो सब जंगल में। कहीं सुना है आपने हिंदुस्तान के अलावा कहीं ऐसा कि कहीं हुआ होगा, जो राजा था वो निकल गया ज्ञान को पाने के लिए, बुद्धा? कहीं सुना आपने किसी और देश में ऐसा हुआ हो? तो इससे महान आप लोग सबसे ज्यादा लकी क्यों हैं? क्योंकि आप यहां पर पैदा हुए। क्योंकि जब आप पैदा होने वाले होते हैं, आपको कुछ नहीं पता आप कहां पैदा होने वाले हैं, कौन आपके माँ बाप है। आप बच्चन बनेंगे, गांधी बनेंगे, अब तो नहीं बनना चाहते, या अंबानी बनेंगे, या मोदी बनेंगे, या कहीं के नहीं रहेंगे, आपको कुछ नहीं पता। दैट मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट, व्हाटएवर डीड्स यू हैव डन इन द पास्ट, जिसकी वजह से ये जन्म हुआ, तो आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। तो क्या करें? फ्री विल कहते हैं, कर्म प्रधान है, तो वो फ्री विल का क्या कर रहे हैं आप? वो जो मींस, जो भी शहर में, जो भी परिवार के साथ आप बांध हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने में आपने क्या किया? अभी आप लोग जिस स्टेज में मुझे मिले हैं, यहाँ पे मैं इनको भी देख रहा हूँ, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम दे हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, राइट? अगर कोई लगातार फेल नहीं हो रहा है तो अलग बात है। तो एजुकेशन भी खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शादी भी कर ली, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं वो भी देखने करके। पर कहने का मतलब ये है कि आप लोग उस मुकाम पर आ चुके हैं जिंदगी के, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। अब आपको ना तो एजुकेशन पे डिपेंड रहना है, ना किसी और पर। तो वक्त आ गया है, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करिए। वक्त आ गया है 2022 का जो सपना है, 75 साल इंडिपेंडेंट इंडिया, जहां पे मैं भी जब बाहर जाऊं अगली बार तो मैं भी गर्व से करूं, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड वी आर नॉट करप्ट, आई एम फ्रॉम इंडिया वेयर नो वन इज पुअर, आई एम फ्रॉम दैट इंडिया वेयर वुमेन हैज गॉट ऑल द पावर्स एंड वी आर द बेस्ट। तो ये तब होगा जब हमारे अंदर वो एनर्जी होगी, जब हमारे अंदर वो जज्बा होगा। So I think you are lucky to born in the family, to born in this country. You are lucky to join that kind of movement, that kind of thinking, which is leading to you towards a better future. Yani jo aapne ab tak struggle kiya, school se lekar yahan tak, kyunki sab kuch correct tha, lekin ab aapke bachche jo bade ho rahe hain, ya jo paida hone wale hain, unka jo unko jo mahol milne wala hai, so I think they are lucky. पॉजिटिव रहिए,
खुश रहिए, क्योंकि खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं। मुंह लटका के बैठने से क्या होगा? खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। तो have that faith in you। अब ये मुझे बताइए, कितने लोग यहाँ पे जिन्होंने कभी जिंदगी में मेडिटेशन किया है, हाथ खड़ा करेंगे? छह लोग भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो हम धर्म की बात करते हैं, you know I am not preaching here, मैं and I don't have the capacity। बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो सब आपको धर्म के बारे में बताते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, सबसे ज्यादा रश कब मिलता है मालूम है आपको? या तो मंगलवार को या शनिवार को। उसका सबसे बड़ा रीजन बता देता हूँ, जब ज्योति जी आपकी कुंडली देख के बताता है कि शनि भारी है, तो मारे डर के आप लोग जाते हैं मंदिर। या सोमवार को जाएंगे, लड़कियों की शादी हो जाएगी हमारी, और लड़के भी जाते हैं क्योंकि क्राउड बहुत अच्छा होता है। तो आप ये बताइए, क्या ये धर्म है? क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? क्या ये ऊपर वाले से कनेक्ट है? नहीं है। लोग बोलते हैं ऋषि मुनियों से कि आप लोग तो मंदिर जाते नहीं, आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, अब तो खैर नहीं मिलते ऋषि मुनि। तो बोला कि सबसे बड़ी पूजा क्या है? बोले सबसे बड़ी पूजा है मनस पूजा। वेर एवर यू आर, इफ यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। नुसरत फतेह अली साहब का एक गाना था कि सांसों की माला में लिख दूं का नाम। यू नो पंडित जी ने कहा था, ये 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लो, तुम्हें ये सिद्धि हो जाएगी, तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिल जाएगा। अब लगे हैं आप जाप कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, आज गंगमे चेक आने वाला है, अभी उस मीटिंग का टाइम हो गया है, कहां कनेक्ट है? नहीं, सब ढकोसला है, सब अंधविश्वास की कहानी जी रहे हैं। और वही ज्योतिषी का धंधा भी अच्छा चल रहा है, जो आपको उपाय बता के कहता है कि भाई साहब ये वक्त बहुत खराब है, अगर आप ये पूजा नहीं कराएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये पूरा धंधा डर का हो गया है, और वो डर से आप लोग डर गए। तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर वो एनर्जी को क्रिएट करिए। और धर्म की सबसे बड़ी बात है द कनेक्ट ऑफ हायर सेल्फ, फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ा मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। एक टेक्निक है, आप मेरी कोई भी बात याद मत रखिए, एक इस बात को याद रख लीजिए, आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे कहिएगा। रोज सुबह दोपहर शाम रात को बैठे बैठे लेटे लेटे कैब में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्टेशन आगे है, आंख बंद कर लीजिए और खाली एक लाइट को विजुलाइज करिए बिटवीन योर आईब्रोज। दिस इज योर थर्ड आई, दिस इज योर स्पिरिचुअल आई। अगर वो लाइट आपको, शुरू में 1000 थॉट आएंगे, किसी को कैटरीना पसंद है, किसी को रणबीर कपूर, सारे थॉट आएंगे, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। 1000 से 500, 500 से 100, फिर 10, फिर 1 और फिर 0। तो जब शून्य पे पहुंच जाएंगे, जब आपको वो लाइट नजर आएगी, मैं आपको बता दूं, आपको किसी ज्योतिषी की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी। यू विल बिकम सुपर इंट्यूटिव। एक थॉट आपको आएगा, मुझे उसको फोन करना चाहिए, वो आदमी हैरान हो जाएगा कि अरे मैं तो अभी के बारे में सोच रहा हूं। वो थॉट आएगा कि आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसके बाद बिजनेस नहीं करना चाहिए, वादा देने का वो झूठ बोल रहा था। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। यू विल बिकम सुपर स्पिरिचुअल, एंड व्हेन यू आर स्पिरिचुअल यू विल बी ब्लेस्ड। एंड व्हाट इज ब्लेसिंग? When you will get right thing at the right time. तो मैं energies की बात कर रहा था, तो people who meditate, उनका एक aura होता है, उनके चेहरे पे एक glow होता है, कोई negative thought उनको touch नहीं करता, वो अगर 4 घंटे भी सोए फिर भी वो एकदम active रहते हैं। इनको देख लीजिए, इनको कभी भी मैं कहीं भी US में हूँ या लंदन में हूँ, मैसेज करूँ तो भाई साहब का जाग रहे हैं, जब वहां 3 बज रहा हूँ 4 बज रहा हूँ, मतलब उठे हैं कि सो रहे थे, बोले सोए नहीं अभी। तो एनर्जी कहां से आती है? ये खाने से नहीं आती, खाने से तो इंसान सो जाता है, एनर्जी आती है उस कनेक्ट से। आप इनके घर जाएं, अभी इन्होंने गणेश स्थापना की थी, आप कितने लोग वहां गए होंगे? तो ऐसा सभी गए, ऐसा लग रहा था मतलब आप सिद्धि बनाएगा गए। तो वहां पे जो एनर्जीज है, तो हर पूरी कायनात, और जितने मैंने बताया आपको कि जितने महान लोग हुए हैं वो सब एनर्जीज पे चल रहे हैं। क्या बिल गेट्स ने कोई लक्ष्मी पूजन कराया था क्या? या बराक ओबामा 2 बार प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, क्या उन्होंने कोई हवन कराया था? नहीं कराया। तो कैसे सक्सेस मिला? एनर्जीज की वजह से। तो अगर आपके अंदर वो एनर्जीज को आप जनरेट कर लें, क्योंकि वरना जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है? जिंदगी बताइए, मुश्किल में है जिंदगी? जिंदगी तो बेचारी मुश्किल है, लेकिन हमने उसको मुश्किल में डाल दिया है। जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है? जिंदगी कभी हम गुजर जाते हैं, कभी गुजर जाती है जिंदगी। Wow.
यानी एक दिन तो हमने गुजरना है जिसकी बात कोई नहीं करता। अल्टीमेट ट्रुथ इज व्हाट? डेथ। लेकिन क्या मरने से पहले जिए थे क्या? क्या किया आपने अपने अपने लिए? क्या किया अपने परिवार के लिए? क्या किया अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए? क्या कुछ किया? और मैं आप लोगों को वाकई लकी मानता हूं कि आपके अंदर वो मौका है, आपके अंदर वो मौका मिला है आपको कि आप कुछ देश के लिए कर रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू कि मैं कल बड़े बड़े होकर म्युनिसिपैलिटी में कुछ जीतूंगा, कोई पद मिलेगा, या मैं आमदार बन जाऊंगा, या मैं एमपी बनूंगा, या मुख्यमंत्री बनूंगा। वो तो आपकी कुंडली में देख लूंगा एक दिन। लेकिन जो जो भावना जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो आप कोई भी धंधा कर लीजिए। ये तो बिजनेसमैन बैठे हैं सामने, अब तो 24 आवर्स इनका यही, तुम्हें माता तुम्हें पैदा हो गए। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको और किसी चीज से नहीं मिल सकता। परमो धर्म, यू नो, चैरिटी। अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम पांच पिलर पे टिका है, और उसमें एक पिलर है सबसे मजबूत, वो कहता है चैरिटी, दूसरों की मदद। उन्होंने कहा कि युवा को उल्टा करिए तो क्या होता है? वायु, हवा की तरह चलता है। मैं कहता हूं कि हम सबको क्या चाहिए इस जन्म में? मोस्ट ऑफ अस लाभ चाहिए। अरे लाभ को उल्टा किया किसी ने? भलाई तो करो। तो इफ यू डू भला, तो जो आपको जो लाभ मिलने वाला है, दैट विल बी फॉरएवर। यानी कंपैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो ये जो परमार्थ की जो भावना है, जो हम करते हैं यार, हम जा रहे हैं पार्टी में, आज हम बैठेंगे, क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा? तो ये जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर पार्टी, देन टुवर्ड्स योर सोसाइटी, एंड टुवर्ड्स योर स्टेट, एंड टुवर्ड्स योर कंट्री, इसका जो रिटर्न मिलने वाला है, इसका कोई मीटर नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो दूसरे लेवल पे चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई दुआओं में याद रखना। हेलो, मैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी और के लिए दुआ करो तो जल्दी कबूल हो जाती है, किसी और के लिए दुआ करो तो जल्दी कबूल हो जाती है, खुद के लिए कभी मांगा नहीं, जाने किसकी कबूल हो जाती है। तो इफ यू कीप ऑन डूइंग योर गुड डीड्स, कहीं ना कहीं वो रिटर्न होकर आएगा ही आएगा। ये आप यकीन मानिए, कर कर देखिए, कोई नेक काम आप करके भूल जाइए, क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप बिगिंस व्हेन नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। तो हैव दैट काइंड ऑफ फेथ। और जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, मैं तो यहां वो गिनाने नहीं आया हूं, आप सबको वो याद है। और ये नरेंद्र मोदी जी का जो भी जो उनका जो विजन है, विच इज गिविंग मी लॉट ऑफ एनर्जी इवन, कि इंडिया को करप्ट मुक्त कराना है, यहां से आतंकवाद को मिटाना है। आज भी हम उसी उस समाज में जी रहे हैं कि तुम्हारी ये जाति है। कम ऑन, जब ब्लड की जरूरत पड़ती है वो देखता है कि ये ब्लड किसका है, मुझे इसकी जाति बताओ पहले, तब मैं ब्लड चढ़वाऊंगा अपने खुद रिश्तेदार को। किसे देखा सर ब्लड? एक बॉटल, भाई साहब आपका ब्लड मैच करता है एक बॉटल। पूछा आपने कि वो हिंदू है कि मुसलमान या वो किसी और जाति का है? आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं एक बोतल ब्लड के लिए। तो हमको जातिवाद से निकलकर उभर कर आगे जाना है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे कोई जितने भी लोग बैठे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ पीपल। क्योंकि यही सोच के साथ अगर आप स्प्रेड करते हैं तो यकीन हमारा जो समाज है वो बदल जाता है, हमारा देश जो है वो बदल जाता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई थिंक देयर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग आफ्टर मी, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चलने से पहले मैं जरूर एक बात बोलना चाहता हूँ कि मंजिलें और भी हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपकी फैमिली है, जो भी आपका व्यवसाय है, किसी की जॉब है, लेकिन जो आपको मौका मिला है उस पर मैं सुनाना चाहता हूं कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, जिंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। तो टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोदी जी की कुछ संकल्प हैं जो हमको सबको लेने हैं। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे मेरे बाद? हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं स्वच्छ भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं स्वच्छ भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं गरीबी मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं गरीबी मुक्त भारत का।
हम सब संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। हम सब संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत का। हम सब संकल्प लेते हैं सांप्रदायिक मुक्त भारत का। हम सब संकल्प लेते हैं सांप्रदायिक मुक्त भारत का। हम सब संकल्प लेते हैं जातिवाद मुक्त भारत का। हम सब संकल्प लेते हैं जातिवाद मुक्त भारत का। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू।